नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 15 मई 2024 की सुबह है, 5:32 पर सूर्यदेव अपनी वर्तमान मेष राशि से निकलकर शुक्र से प्रभावित राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 15 जून 2024 तक ये वृषभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। कन्या राशि वाले जातकों को किन किन क्षेत्रों में सकारात्मकता मिलने वाली है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो सूर्य के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, कन्या राशि वाले जातकों सूर्यदेव ग्रहों के राजा माने जाते हैं और सूर्यदेव संपूर्ण जीव जगत की आत्मा के स्वरूप भी माने जाते हैं। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। सूर्य को केवल एक राशि सिंह राशि का स्वामी भी माना जाता है। यही सूर्यदेव जब जन्म कुंडली पर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो कुंडली पर सूर्य के बलवान होने पर कई ग्रहों के नकारात्मक होने के बावजूद भी जीवन के सभी क्षेत्रों में विशेष सफलता प्राप्त होती है। बलवान सूर्य के प्रभाव से पितातुल्य लोगों का सहयोग मिलता है। सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता प्राप्त होती है तथा सूर्य का बलि प्रभाव जीवन में निराशा समाप्त करता है, यानी ऐसा व्यक्ति मनोबल के साथ सभी क्षेत्रों में काम करता है। और यही सूर्यदेव जब जन्म कुंडली पर खराब अवस्था में विराजित हो तो कई प्रकार की असमंजस और समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। पीड़ित सूर्य के प्रभाव से नेत्रों जनित समस्या, बालों के झड़ जाने की समस्या, पेट में बीमारी, हृदय जनित समस्या देखने के लिए मिलती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों, यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। सूर्यदेव आपके राशि के व्यय भाव यानी आपके द्वादश भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो 15 मई को आपकी अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य का नवम भाव यानी भाग्य भाव पर गोचर करना और गुरु के साथ युति बनाना कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की सफलता देने वाला है। सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों, सूर्य के इस परिवर्तन से आपको भाग्य का भरपूर सहयोग देखने के लिए मिलने वाला है। कन्या राशि के ऐसे जातक जो पिछले समय से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम आपको कम या ना के बराबर मिल रहा है, आपके कार्य की रफ्तार भी बढ़ने वाली है और आपके द्वारा प्रयासरत कामों में आपको सफलता भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में विदेश से संबंधित कामों में शुभता मिलने वाली है। यदि आप विदेश में रहकर कोई कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनियों में यदि आप काम करते हैं, यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों, ये जो समय है ये पारिवारिक स्थितियों के लिए शानदार है, यानी यदि आपको पारिवारिक जीवन में लगातार भाग दौड़ का सामना करना पड़ रहा है, पारिवारिक विसंगतियों का सामना यदि आपको करना पड़ रहा है तो पारिवारिक चुनौती भी आपके जीवन से दूर होने वाली है।
और कन्या राशि के ऐसा जातक जो पिछले समय से कर्ज का सामना कर रहे हैं, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कर्ज बना हुआ है, कर्ज मुक्ति की संभावना भी गुरु और सूर्य की युति आपके राशि के नवम भाव पर जो विराजित है आपके जीवन में निर्मित करने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों, सूर्यदेव आपके द्वादश भाव यानी आपके व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं। इस समयावधि में यदि आप सूर्य जनित दुष्प्रभावों को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको सूर्य जनित चीजों का दान जरूर करना चाहिए। रविवार के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में यदि आप गेहूं, तांबा, गुड़, खांड, लाल चंदन इनमें से किसी भी चीज का यदि आप दान करते हैं तो आपके जीवन में स्थिति सकारात्मक बनने वाली है। पिता तुल्य लोगों के साथ अपने संबंध को यदि आप बेहतर बनाकर चलते हैं तो भी समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।